नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। इस राज्य में पेड़ों को भी मिल सकती है पेंशन, जाने क्या है प्राण वायु देवता स्कीम। हरियाणा सरकार प्राण वायु देवता स्कीम के तहत 75 साल के ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को पेंशन दे रही है। इन पेड़ों की देखभाल करने वाले को सालाना 25,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। खट्टर सरकार द्वारा 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। छोटे और भूमिहीन किसानों की बढ़ेगी आय। हरियाणा सरकार के मुताबिक छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 25,000 रुपए का पेंशन देने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि इससे पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। गुजरात जामनगर नॉर्थ में रविंद्र जडेजा की पत्नी बीजेपी उम्मीदवार ननद नायबा बोली, नए चेहरे पर होगी भाजपा। रविंद्र जडेजा की बहन नायबा जडेजा कांग्रेस में काफी एक्टिव है। एक तरह रविबा की पति देवेंद्र जडेजा से सपोर्ट मिलता है और वही उनकी बहन को उनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा सपोर्ट करते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में शामिल ननद भाभी के बीच विवाद की बातें सामने आती रहती है। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की थी। उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की पत्नी रविंद्र जडेजा के नाम तो आपने सुना ही होगा और इस नाम में शामिल है बीजेपी, जो बीजेपी उन्हें जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि उनका बहन नायबा गुजरात से कांग्रेस के लिए कैंपेन कर सकती है। ईरान वाली गलती को सुधार रहा है भारत, अमेरिका को धटा बता शुरू किया ये काम। भारत में गैस और तेल की मांग तेजी से साथ बढ़ रही है। ऐसे में भारत उन सभी सप्लायरों से तेल खरीद रहा है जहां उसे फायदा नजर आ रहा है। खास बात यह है कि तेल खरीदारी में अमेरिका समेत अन्य किसी पश्चिमी देशों का भी प्रवाह नहीं कर सकता और इसी वजह से भारत की रूस और ईरान के साथ तेल सप्लाई लगातार जारी है। अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल सप्लाई कम करने वाला भारत अब बिना पश्चिम के प्रवाह किए रूस और ईरान से तेल खरीदेगा तो बढ़ रहा है दरअसल ऐसी बात हो रही है। जी हाँ, दरअसल ऐसी बात है कि समय के साथ भारत में तेल और गैस की मांग को इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत को जो भी सप्लायर सस्ता तेल दे रहा है, भारत उसकी ओर कदम बढ़ाता चल रहा है, चाहे वे अमेरिका प्रतिबंधों के दायरे में हो या कहीं पर भी आते। मौजूदा समय में उसका उदाहरण ईरान के साथ ही रूस का भी, जो यूक्रेन की जंग की वजह से पश्चिमी देशों का बड़ा आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। वहीं ईरान पर भी अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद भारत लगातार दोनों देशों से सप्लाई कर रहा था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ स्ट्रीम ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों, ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।